नमस्कार भागवन भाइयों, हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भागवन भाइयों, आज के इस वीडियो में हम हेडिंग बैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक ब्रांच में या फिर जो प्लांट होता है उसके लीडर में हेडिंग बैग करी जाती है, जिससे उसका प्रॉपर ग्रोथ हो भागवन भाइयों और प्रॉपर शेप बने। तो इसमें हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कितने साल के पौधे में, कितनी हाइट तक के पौधे में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ के हिसाब से किस तरह से हेड बैग किया जाए, किस तरह से प्रूनिंग की जाए, यह सब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले भागवन भाइयों, यदि आप लोगों ने हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिमालयन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। बागवान भाइयों, हेडिंग बैग कट एक पुरानी तकनीक है प्रूनिंग करने की। यहाँ पर हेडिंग बैग में किसी भी शाखा या लीडर का जो टर्मिनल होता है, जो चोटी होती है बागवान भाई, उसको ऊपर से काटकर छोटा कर दिया जाता है। यह आम तौर पर काटे गए सिरे के पीछे की आँखों को, जो पीछे वाले लेटरल बर्ड्स होते हैं बागवान भाइयों, उनमें ग्रोथ लाता है या फिर बागवान भाइयों नई मजबूत ग्रोथ उसमें आ जाती है, उसका संचार होता है। हिमालय के क्षेत्र में दशकों से विभिन्न प्रकार की शाखाओं पर हेड बैग कट लगाए जाते हैं। ये ध्यान नहीं रखा जाता है कि क्या प्रभाव रहते हैं इसके, इसका माइंड में ना रखते हुए कि क्या प्रभाव रहते हैं, हेड बैग फिर भी लगाए जाते हैं। हेडिंग बैग कच्चा बागवान भाई, इसका प्रयोग अभी बागवान भाइयों के द्वारा किया तो जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर नॉलेज अभी हिमालय के क्षेत्र के बागवान भाइयों को नहीं है कि हेडिंग बैग किस तरह से लगाएं और इसके क्या क्या प्रभाव हमारे प्लांट्स पर पड़ते हैं। हेडिंग बैग से बागवान भाइयों एक पेड़ की मुख्य शाखाओं की जो अतिरिक्त ग्रोथ होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। यदि बागवान भाइयों मुख्य लीडर या फिर मुख्य शाखा का वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि पेड़ या फिर पेड़ के किसी भी पार्ट्स में बहुत अधिक वृद्धि की दर है। इस वृद्धि की विकास क्षमता को ठीक करने की हमें ज़रूरत होती है, अन्यथा बहुत सारे ब्लाइंड वुड का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा अगर इस तरह की उच्च वृद्धि विकास को नियंत्रित नहीं किया गया, जो हाई ग्रोथ रेट है बागवान भाइयों, उसको कंट्रोल नहीं किया गया पौधे को, तो यह आने वाले वर्षों में फलों के उत्पादन और फलों की गुणवत्ता को भी बाधित कर देता है। इसीलिए हमें उच्च वृद्धि की विकास को कंट्रोल करना होता है, जो हाई ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है बागवान भाइयों, उसको कंट्रोल हमने प्रूनिंग के माध्यम से करना है, ताकि आने वाले समय में हमारे प्लांट्स की फ्रूटिंग पर किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े। बागवान भाइयों, जिन पौधों में हमने प्रॉपरली प्रूनिंग नहीं करी होती है, ऐसे पेड़ों में बहुत देर से फलों का उत्पादन होता है, जो फायदेमंद भी नहीं रहता है। देर से फल उत्पादन में आने वाला चाहे वो कोई भी पेड़ हो, अपने पूरे लाइफ टाइम में वो कभी भी फुल प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसे पेड़ों या फिर पेड़ के किसी भी विशिष्ट भाग पर वृद्धि या फिर जो ग्रोथ होती है बागवान भाइयों, उसको संतुलित करने के लिए बहुत कम हेड बैग करने की हमें ज़रूरत होती है। हमें इनमें ज़्यादा हेड बैग नहीं करना होता है प्रूनिंग करते समय। यदि बागवान भाई इस तरह के एक अत्यधिक ग्रोथ वाले लीडर या फिर मेन ब्रांच को ज़्यादा हेड बैग, गहरा हेड बैग करते हैं, तो कट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें छाल सी निकलने लगती है, पेपरी बार्क सी निकलने, पपड़ी सी बागवान भाई निकलने लगती है, जिसको पेपरी बार्क कैंकर कहा जाता है। बागवान भाइयों, यदि आप लोग पेपरी बार कैंकर से जूझ रहे हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें, या फिर बागवान भाइयों हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह यदि बागवान भाइयों के बगीचे में किसी प्लांट के मेन लीडर में या फिर मेन ब्रांच में ग्रोथ कम है, कम वृद्धि दर है बागवान भाइयों ब्रांच की या मेन लीडर की, तो हमें वहां पर गहरा हेड बैग करने की आवश्यकता होती है।
अधिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हमें वागवन वायु गहरा हेड बैग करना होता है, ताकि उसकी जो ब्रांच या फिर मेन लीडर होता है उसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी जो है बढ़ सके। वागवन वायु को हम यहाँ पर तालिका के माध्यम से और वागवन वायु को हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमने हेड बैग देना होता है। यदि वागवन वायु आपके प्लांट की या फिर आपके ब्रांच की जो ग्रोथ रेट है, वागवन वायु ग्रोथ हुई है आपकी 42 इंच के आसपास या फिर 42 इंच से ऊपर, तो उसमें हमने 20% हेड बैग देना है ऊपर से 20%, यानी कि 42 इंच के पौधे में या फिर 42 इंच की मेन ब्रांच में हमने ऊपर से 8 इंच या फिर 8.5, ज़्यादा से ज़्यादा 8.5 इंच ऊपर से हेड बैग देना होता है। अगर वागवन वायु 36 इंच तक की ग्रोथ है तो 36 इंच तक की ग्रोथ में हमने 30% लगभग हेड बैग देना है, यानी कि लगभग 10 से 11 इंच हमने वागवन वायु ऊपर से उसको काटना है। यदि 24 इंच वागवन वायु के बगीचे में ग्रोथ हुई है तो उसमें हमने वागवन वायु 40% हेड बैग देनी है, यानी कि लगभग 9 से 9.5 इंच हमने 24 इंच के पौधे में ऊपर से काटना है, 9.5 से 9 इंच के बीच में। यदि 18 इंच की वागवन वायु ग्रोथ हुई है तो 18 इंच की ग्रोथ में हमने 50% ग्रोथ को काटना है, चाहे वो प्लांट हो या फिर ब्रांच हो। 18 इंच में से 9 इंच हमने वागवन वायु यहाँ पे हेड बैग देनी। यदि 12 इंच की ग्रोथ आई है तो 12 इंच की ग्रोथ में हमने वागवन वायु लगभग 60% यानी कि 7 इंच तक ऊपर से टहनी को या फिर मेन लीडर को काटना होता है। यदि ग्रोथ बहुत कम है, 6 इंच है या फिर 6 इंच से कम है, तो ग्रोथ का हमने वागवन वायु 70% हिस्सा काटना है, लगभग 4 इंच। यदि 6 इंच हमारी वागवन वायु ग्रोथ है तो इसका 4 इंच पार्ट हमने ऊपर का काट देना, जो 4 इंच हिस्सा है वो काट देना है। 6 इंच से नीचे वाले जितनी भी ग्रोथ आई उसमें हमने 70% हिस्से को काट देना है वागवन वायु, जिससे हमारा जो पौधा होता है आने वाले समय में अधिक ग्रोथ ले सके। इसीलिए हमने ये इस तरह का हेड बैग करना होता है। तो वागवन वायु, ये थी हमारी आज की वीडियो हेड बैग से संबंधित।